एक दौराना की कहानी है कि एक दूरस्थ मुल्क में एक अक्लमंद और शफकत से पर मिली मुल्का नामी रानी एलिजाबेथ रहती थी। उनके ममलके को इसकी पसंदीदा बागात, चमकते हुए दरियाओं और उनके लोगों के दरमियान हम आहंग रहने का इल्म था। रानी एलिजाबेथ किसी दूसरे हाकिम से बहुत मुख्तलिफ थी। उनके पास एक खुशबूदार मौका था जानूरों और पूदों की तस्दीक करने और उनके साथ बातचीत करने की सलाहियत थी। ये मनफर्द रिश्ते की वजह से उनको अपने मुमलके की फितरती तवाजन और हसन की हफाजत करने का अमकान था। एक दिन मल्क में एक खिताब की सबसे बड़ी सख्ती आई और दरियाओं का पानी सोखने लगा, फसलों का खशक होने लगा और लोग परेशान हो गए। रानी एलिजाबेथ ने एक कार्रवाई उठाने का फैसला किया। वो जंगल के जानवरों, हवाओं के परंदों और खीतों के फूलों को पकार किया ताकि वो इस मसले का हल तलाश करने में मदद करें। मिल्की इंसानों, जानवरों और पूदों की जमातों के वफादार अराकीन के साथ उन्होंने उसको हल करने के लिए एक सफर पर निकल पड़े जो कि जिंदगी की तरह जादुई था। रानी जंगल के दिल तक पहुंचने में कामयाब हो गई जहां जिंदगी का दरख्त खड़ा था। रानी की दरख्वास्त के साथ दरख्त ने जमीन के अंदर छपा हुआ जिंदगी देने वाला कनवा जाहिर किया। तमाम जानवरों के मजमूई मेहनत से वो जिंदगी देने वाला पानी दोबारा सतह पर आने में कामयाब हो गया। जब पहली कतरे पानी खुशक जमीन को छुआ, ये जादू की तरह था। दरियाओं का पानी दोबारा बहने लगा, खेतों में फसलें फलाने लगें और मल्क दोबारा जिंदगी में आ गया। लोग खुशी से भरपूर मनाने लगे और रानी एलिजाबेथ को अपने मुखलिस कारकन के तौर पर नाम करने लगे। उनकी अकलमंदी, हमदर्दी और उनकी फितरत के साथ उनके मल्क को बचाने के न सिर्फ आए बल्कि सबके लिए माहौल को कदर देने की मिसाल कायम की। रानी एलिजाबेथ की हुकूमत को याद किया गया जो इंसानों, जानवरों और पूदों के दरमियान यकसां जिंदगी के एक दौर के तौर पर याद किया गया जहां फितरत का तवाजन कायम रहा और मल्क कभी पहले की तरह खुशी से तरक्की करता रहा।